ओम शांति। 15 सेप्टेम्बर 2020 बाबा साकार महावाक्य बाबा कहते मधुर संतान गण बाबा तुम मान ज्ञान तृतीय नेत्र देवाई आसी जहाद्वारा तुम्हें सृष्टि आदि मध्य अंत को जानु। प्रश्न श्रेणी सदृश शक्तिशाली कन्या मान कथा को साहसर सहित बुझे पारे। उत्तर अन्य धर्मावलंबी मान एक बुझे बाबा कहते तुम्हें निजक आत्मा मन कर परमात्मा नुहे निजक आत्मा निश्चय करी बाबा को मन पकाओ तेबे विकर्म विनाश हेब एवं तुम्हें मुक्तिधाम को चली जीव निजक परमात्मा मन करने द्वारा तुम विकर्म विनाश हो पार ना। एक बहुत साहसर सहित श्रेणी शक्ति मैंने बुझे पारे बुझेवाई अभ्यास करवा दरकार। आज गीत हूँ नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। पिला माने अनुभव करुछंती आत्मिक यात्रा रे कठिनता अनुभव होउची भक्ति मार्ग रे द्वारा द्वारा धक्का खाइबा को ही पड़ी थाए अनेक प्रकार जप तप यज्ञ करिथांती शास्त्र आदि पढ़िथांती जेउ कारण रु ब्रह्मांकर रात्रि कह जाउची अधाकल्प रात्रि अधाकल्प दिन केवल यह ब्रह्मा तो नथिबे ना प्रजापिता ब्रह्मा होइथिबारु निश्चय तांकर संतान कुमार कुमारी माने मध्य थिबे किंतु मनुष्य एक जानि नाहंती बाबा ही संतान मानकु ज्ञान तृतीय नेत्र देउछंती जहाद्वारा तुमको सृष्टि आदि मध्य अंतर ज्ञान मिलुछि। तुम्हें कल्प पूर्वरु मध्य ब्राह्मण थिलो एवं देवता होइथिलो जे माने देवता होइथिले से माने पुणी हेबे तुम्हें आदि सनातन देवी देवता धर्म अट तुम ही पूज्य एवं पूजारी हो आत्मा स्वीकार करुचे आम पूज्य थिलु पुणी आमे ही पूजारी होइचु पूज्य रु पूजारी पुणी पूज्य हेउचु बाबा तो पूज्य बा पूजारी हेउ नाहंती तुम्हें कहुच आमे ही पूज्य पवित्र देवी देवता थिलु पुणी 84 जन्म पर संपूर्ण पतित पूजारी हो जाऊ जो भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्मर थे एवं से निज धर्म विषय किसी हेल्ले जाना ना सब धर्मावलंबी मान तुम यही कथा को बुझे ना यही धर्मर जो मैंने अन्य धर्म ग्रहण कर आसबे एपरी तो बहुत परिवर्तित हो जाए बाबा कहते शिव एवं देवता मान पूजारी निम्ते यह ग्रहण करवा सहज अटे अनेक धर्मावलंबी मुंड खराब करेंगे जे परिवर्तित हो जाए अनुभव हेब एवं आसी बुझापी चेष्टा करेंगे नचे मानवे ना आर्य समाजी मानक भी बहुत आसी शिख धर्मर मध्य बहुत आसी जो मैंने आदि सनातन देवी देवता धर्मर परिवर्तित होई अन्य धर्म को चली जाइछंती तांको पुणी निज धर्म को निश्चय आसीबा को पड़िबो। वृक्ष रे मध्य अलग अलग विभाव रही पुणी पाठ करिबा पाई मध्य क्रमान्वय आसीबे पुणी शाखा प्रशाखा बाहरिबो से माने पवित्र होइतिबा कारण रु तांकर अधिक प्रभाव रहउची। वर्तमान समय रे देवी देवता धर्मर मूलद्वा नाही जहाँ को स्थापना करने को पड़ी भाई भौनी संबंध रखा ही पड़ो आम एक बाबा संतान समस्त आत्मा भाई भाई अटु पुणी भाई भौनी होवा सृष्टि स्थापना होणु प्रथमे प्रथमे हेले ब्राह्मण नुआ सृष्टि स्थापन प्रजापिता ब्रह्मा आवश्यकता तो निश्चित रही ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण सृष्टि हे यहाँ को रुद्र ज्ञान यज्ञ मध्य ब्राह्मण निश्चय आवश्यक प्रियापिता ब्रह्मांकर संतान निश्चय आवश्यक से हेउचंती ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बा आदि पिता प्रथम नंबर रे ब्राह्मण शीर्ष रे रहिचंती आदम बीबी एडम ईव मानुचंती मध्य वर्तमान तुम्हें पूजारी रु पूज्य हेउचो दिलवाड़ा मंदिर तुम मानकर
सबुठारु भल स्मृति चिन्ह अटे तले तपस्या करुछंती उपरे रायत दृश्य एवं एठारे तुम्हें चैतन्य बसीच एही मंदिर विनाश हो जिवो पुणी भक्ति मार्ग रे तयारी हेबो तुम्हें जानिच एबे आमे राजयोग सिखुचु पुणी नुआ दुनिया को जिवु ता हला जड़ मंदिर तुम्हें चैतन्य बसीच मुख्य मंदिर जहाँ की ठीक भाव तयारी कर नचे स्वर्ग के देखे से छतरे स्वर्गर दृश्य को दर्शाई बहुत भल भाव बुझे पार कह भारत ही स्वर्ग ताला पुणी भारत एवं नर्क हो धर्म आत्मा तुरंत बुझे हिंदू मान अनेक प्रकार धर्म मिसी जा सेमानुकु फेरे आनिबा पई तुमको बहुत मेहनत करिबाकु पड़ुछि बाबा बुझौछंती निजकु आत्मा भाबी मते मने पुकाओ बास आउ किछि कथा हेबा अनुचि जहांकर ज्ञान बुझाइबा अभ्यास नहीं सेमाने ज्ञान बुझाइबा अनुचि नचे बिकेंको नाम बदनाम करिदेबे अन्य धर्मालम्बी मानकु बुझाइबा दरकार जे जदि तुमे मुक्तिधाम जिबाकु चाहुच तबे निजकु आत्मा भाबी बाबा को मने पकाओ निज को परमात्मा भाव नहीं निज को आत्मा भाव बाबा को मने पकाइले तुमर जन्म जन्मांतर पाप कटिजो एवं तुम्हें मुक्ति धाम को चली तुमपाई मनमना भवर मंत्र ही जथेष्ट किंतु कथा कहिबार साहस दरकार सिंह समान शक्तिशाली आत्मा माने ही सेवा करि पारिबे सन्यासी माने बाहर को जाई विदेशी मानक नहीं आसुचंती कहुचंती चल तुमको आम आध्यात्मिक ज्ञान देव से माने बाबा को तो जानी नहांती ब्रह्म को भगवान भाभी कही देउचंती ब्रह्म को मने पकाओ बास एही मंत्र दे देउचंती जेपरी कौनसी चढ़े को निज पंजुरे रखी देउचंती तेणु एपरी बुझाइबारे मध्य समय लगुची बाबा कहुचंती प्रत्येक चित्र उपरे शिव भगवान वाच लेखा जाओ तुम्हें जानी छो ए दुनिया रे समस्ते पिता बिना अनाथ अटंती डाकुचंती तुम्हें माता पिता किंतु तार अर्थ कौन अर्थ न जानी कहुचंती तुम्हार कृपारु असरंती सुख मिलुची वर्तमान बाबा तुमको स्वर्गर सुख देवा पाई पढ़ाउचंती जेउतिरे तुम्हें पुरुषार्थ करुच जिए करिबो से पाइबो एबे तो समस्ते पतित अटंती पावन दुनिया तो हेउची केवल स्वर्ग नुआ दुनिया एठारे केही स्वतप्रधान रही पारिबे नाही सत्य जुगरे जिए स्वतप्रधान थिले सही माने तम प्रधान पतित हेउचंती क्राइस्टंको पचे पचे तांको धर्मर जेउ माने उपरु आसुचंती से माने तो प्रथमे प्रथमे स्वतप्रधान थिबे ना जेते बेले लक्ष लक्ष संख्यारे धर्मालम्बी हो जाती सेते बेले सेना बाहिनी प्रस्तुत करती रायत्व करिबा पाई सेमानंकु सुख भी कम तो दुख मध्य कम मिलुची तुम पर सुख तो कहाको भी मिली पारिबो नाही तुम एबे प्रस्तुत हेउचो सुख धाम को आसिबा पाई बाकी सबु धर्म कोन स्वर्ग को आसी पारिबे भारत स्वर्ग थिबा समय रे भारत पर कोनसी पवित्र राष्ट्र नथिला जेते बेले बाबा आसंती सेते बेले ही ईश्वर राज्य स्थापन हुए सेठारे लड़ाई आदि कथा नहीं लड़ाई झगड़ा करिबा तो बहुत पछरे आरंभ होउछि भारतवासी एते कहा सहित लड़ी नहांती परस्पर मध्यरे लड़ाई करी अलगा होई जायचंती द्वापर जुगरे जणे अन्य जणक उपरे चढ़ाव करिथान एही सब चित्र आदि तैयारी करिबा पई मध्ये बुद्धि आवश्यक एकता मध्ये लेखिबा आवश्यक जे भारत जे कि स्वर्ग थिला ताहा पुणी नर्क किपरि होइगला एठा को आसी बुझंतु भारत सद्गति रे थिला एबे दुर्गति रे अछि एबे सद्गति को पाइबा पई बाबा ही ज्ञान दउचंती मनुष्य मानक भितरे एही आत्मिक ज्ञान नाही एही ज्ञान परमपिता परमात्मा को भितरे था बाबा आत्मा मान को ज्ञान देउचंती बाकी तो समस्ते मनुष्य मनुष्य मान को ही ज्ञान देउचंती शास्त्र मध्य मनुष्य माने ही लिखिचंती मनुष्य माने ही पढ़ुचंती
एठारे तो आत्मिक पिता तुम्ह मानंको पढ़ाउचंती एवं आत्मा पढ़ुची पढ़ला बाला तो आत्मा ही अटे ना। दुनिया रे तो मनुष्य ही लेखुचंती एवं मनुष्य माने ही पढ़ुचंती। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़िवार आवश्यकता ना। बाबा कहुचंती ए शास्त्र मानंक द्वारा कहार भी सद्गति होई पारिबो नाही। मते ही आसी समस्तंकु घर को नहीं जीवाकु हेबो। एबे तो दुनिया रे कोटी कोटी मनुष्य अछंती। सत्य युग रे जते बेले लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला तेबे सेठारे 9 लक्ष लोक थिले। बहुत छोट वृक्ष बा दुनिया थाए। तेबे विचार कर एते सब आत्मा केउठी को गले। ब्रह्मरे बा पानी रे तो लीन होई जाउ नांती। सेमाने समस्ते मुक्तिधाम रे रहउचंती। प्रत्येक आत्मा अविनाशी अटे। ता मंदिर अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रहिछि जहा केबे विनाश होई पारिबो नाही। आत्मा विनाश होई पारिबो नाही। आत्मा तो बिंदु अटे। बाकी निर्वाण अवस्था को केही भी जाउ नांती। समस्तंकु पाठ करिवाकु ही हेबो। जेबे सब आत्मा माने ऊपर आसी जाउचंती से समय रे मु आसी समस्तंकु नै जाउछि। शेष समय रे ही बाबांकर अभिनय थाए। नुआ दुनिया रा स्थापना पुणी पुणा दुनिया रा विनाश यहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित अछि। तुमे आर्य समाजी मानंक दल को बुझाइले सेतिर जदि केही ए देवता धर्म रा होइतिबे तांकु अनुभव हबो। वास्तव रे एही कथा तो ठीक। परमात्मा सर्वव्यापी किपरि होई पारिबे। भगवान तो बाबा अटंती। तांको ठारु संपत्ति मिलुछि। केही केही आर्य समाज मध्य तुम पाखकु आसुचंती ना। तांकु ए नूतन धर्म रो कलमी कहा जाउछि। तुमे बुझाई चालो तेबे तुम कुलर जे होइतिबे से आसीबे। भगवान ही पवित्र हेबा पई उपाय बतौचंती। भगवान वाच केवल मते मने पकाओ। मु पतित पावन अटे। मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे मुक्ति धाम को आसी जीवो। ए संवाद सबु धर्मालोभी मानंक पई अटे। कुह बाबा कहउचंती देहर सबु धर्म छाड़ी मते मने पकाइले तुमे तुम प्रधानरु स्वत प्रधान होई जीवो। मु गुजराती अटे अमक अटे ए सबु छाड़ो। निज को आत्मा भाव एवं बाबा को मन पकाओ। यह हूँ जोग अग्नि। सावधानता पूर्वक से मानक बुझाइवाक हेबो। समस्ते तो बुझिबे नाही। बाबा कहउचंती मु ही पतित पावन अटे। तुमे समस्ते हूँ पतित। पवित्र न होई निर्वाण धाम को मध्य जाई पारिबो नाही। रचनार आदि मध्य अंत को मध्य बुझाक हेबो। संपूर्ण बुझले ही उच्च पद पाइब। अल्प भक्ति करिथिले अल्प ज्ञान बुझिबे। बहुत भक्ति करिथिबे तो ज्ञान को भल भाव बुझिबे। बाबा जहा सब बुझाउचंती ताकु धारण करिबाकु हेबो। वानप्रस्थी मानंक पाई बहुत सहज अटे। गृहस्थ व्यवहारु अलग होई जाउचंती। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष परे होइथाय। गुरु मध्य सेतेबेले करिथांती। आजिकाली तो छोट अवस्था रे मध्य गुरु कराइ देउचंती। किंतु वास्तव रे प्रथमे बापा पुणी शिक्षक पुणी 60 वर्ष परे गुरु करा जाए। सद्गति दाता तो केवल बाबा ही अटंती। एही सब अनेक गुरु सद्गति दाता नुहंती। ये सब हेला पैसा रोजगार रो उपाय। सद्गुरु तो जणे ही अटंती समस्तंकर सद्गति दाता। बाबा कहउचंती मु तुमको सब वेद शास्त्र रो सारांश बुझाउची। ए सब हेला भक्ति मार्ग रो सामग्री। सीढ़ी ओल्लैवा को पड़ी थाए। ज्ञान भक्ति पुणी भक्ति रो वैराग्य करा जाए। ज्ञान मिली गले भक्ति रो ही वैराग्य होई थाए। एही पुरुणा दुनिया प्रति तुमरो वैराग्य आसुची। दुनिया को छाड़ी केउटे भी जीवो तुमे जानिचो ए दुनिया ही विनाश हेबो। सेति पई एबे बेहत दुनिया रो सन्यास करिबाकु हेबो। पवित्र न हेबा पर्यंत घर को जाई पारिबो नाही। पवित्र हेबा पई जोगर यात्रा आवश्यक। भारत रे रक्तर नदी बहिबा परे पुणी क्षीरर नदी बहिबो। विष्णु को मध्य क्षीर सागर भितरे देखउछंती। बुझा जाउची एही लड़ाई द्वारा मुक्ति जीवन मुक्तिर द्वार खुलुची। तुमे पिला माने जते आगु को बढ़िबो सते प्रचार होई चलिबो।
तेबे तो लड़ाई लागिबार संभावना अधिक। गोटिए अग्निकोणारु देख आगरु कोण होइतिला, भावुचंती लड़िबे निश्चय, लड़े तो सबुबेले लागि रहिछि, जोने अन्य जनकर सहयोगी मध्ये होउछंती। तुमकु मध्ये नुआ दुनिया आवश्यक, तेणु पुराणा दुनिया निश्चय विनाश होबा दरकार। अच्छा, मीठा मीठा शिखिल जे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादा मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानक आत्मिक मात पिता बाप दादा मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। प्रथम, ए पुराणा दुनिया एबे विनाश हेबो, सेथिपाई एही पुराणा दुनिया रु सन्यास करिबाकु हेबो। दुनिया को छाड़ी केउठो के जीवार नाही, किंतु एहाकु बुद्धि द्वारा भूलिबाकु हेबो। द्वितीय, निर्वाण धाम को जीवा पाई संपूर्ण पवित्र हेबाकु पड़िबो, अर्थात सृष्टि रचनार आदि मध्य अंत को सटीक भावरे बुझी नुआ दुनिया रे उच्च पद पाइबाकु हेबो। आजिर बरदान, अवहेला पुणियार निद्रा को छाड़पत्र देई निद्राजित चक्रवर्ती हुओ। विस्तार, साक्षात्कार मूलत हुई भक्त मानंकु साक्षात्कार करैबा पई अथवा चक्रवर्ती हेबा पई निद्राजित हुओ। जेते बेले विनाश काल भूली होई जाउची, सेते बेले अवहेला पुणियार निद्रा आसी जाउची। तेणु भक्त मानंकर डाकरा को सुनो, दुखी आत्मा को दुखर गुहारी सुनो, तृषार्थ आत्मा मानंकर प्रार्थनार शब्द सुनो, ताहले केबे भी अवहेला पुणियार निद आसीबो नाही। सेतिपई वर्तमान सदा जाग्रत ज्योति होई अवहेला पुणियार निद्रा को छाड़पत्र दियो एवं साक्षात्कार मूर्त हुओ। स्लोगान, शरीर मन धन एवं मन वाणी कर्म जेकोणसी प्रकार रे बाबांकर कर्तव्य रे सहयोगी हुओ, तेबे सहज योगी होई जीव। ओम शांति।